गाइस अवर चैनल तवार ब्लॉग और मैं आपके से आ चुकी हूँ और पीयू यहाँ मचा रही है। पीयू क्यों रो रही है? इसकी दादी अभी वहाँ चाची के पास गई है। मैं तो ऑफिस से आई हूँ तो मतलब कोई भी घर से जाना होता है, इसकी दादी या पापा उनके साथ इसको जाना होता है तो ये देखो ऐसे रो रही है। साफ करना है, थोड़ा गंदा हो रहा था तो अभी साफ करती हूँ। इसकी मैंने कार्टून लगाई और आधी मेरे साथ हेल्प कर रहा है। देखो झाड़ू वूम में मतलब मैं सामान वगैरह लेके आई थी तो लगा नहीं, मेरी हेल्प कर रहा है। थैंक यू। देख रहे लोग, देख रहे किचन में से क्या रहा है, बर्तन धोने वाला है, ये साफ कर रही तो भगवान जी की साफ कर दी। थोड़ा डस्ट हो रही थी मिट्टी तो कपड़ा वपड़ा यहाँ से पूरा चेंज कर दिया और साफ सा हो गया। और अभी मैं बना रही हूँ, ओह माय गॉड, भरता बना रही हूँ। अभी यहाँ रखें चावल, सब्जी आज का गोड़े भी बना रही हूँ ग्राम से, क्योंकि इसके पापा भी नाम के लिए इतने खाते दालें सब्जी हमारे यहाँ सब अच्छी मतलब दालें खा लेते थे हम और सब्जियाँ तो ऐसी पड़ी जाती हैं इसके खाते इसके पापा भी। आज इसके पापा की तबीयत हो रही है खराब, थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से उनको जुकाम सर गर्म हो रहा है, तो जुकाम फिर से कर कल ही कर रहे थे, फिर मैं मज़े ले रही थी तो अभी उन्होंने डॉक्टर से दवाई वगैरह ले ली है। मैं बर्तन बर्तन धो दी हैं तो सेक करके, मेरा हर खाना सरसों के तेल में बनता है, सब्जी हो मैं सारा खाना सरसों के तेल में बनाती थी और किसी तेल में नहीं बनाती थी, सरसों का तेल ही सबसे अच्छा है। बाकी तेल मुझे ना मुझे नहीं लगते, बाकी सब यूज़ करते हैं, सबका अपना अपने जाए है जिसको जो अच्छा लगता है, बट मुझे सरसों का तेल अच्छा लगता है। सब्जी दाल कुछ भी हो उसी में मैं बनाती हूँ और बाकी देसी घी वगैरह ऊपर से डाल देती हूँ अलग से, सब्जी में नहीं डालो। बस मैं अभी ये बना रही हूँ यम्मी यम्मी भटका, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी मेरी 2 दिन छुट्टी है तो मैं आराम से उठूंगी, रेस्ट करूंगी, एक तो काम है बैंक जाने हैं वो करूंगी पेंडिंग में से, तो भी बना के मिलती हूँ आटा वाटा गूंथ के। यहाँ छिल रही हूँ मटर और यहाँ ही मटर छिलने में हेल्प कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। एक मटर को एक मटर मैं आधा तोड़ के दे रही हूँ तो उसमें से एक एक मटर डाल के इसमें डाल रही हूँ। कितने लग गए, कितने लग के वो कर रही है। और इसके सर में मैंने तेल लगा दिया है, थोड़े बाल बिखरे हुए, ओ इतनी मेहनत से वो कर रही है तो वो कर रहा, तू देखे देखो दोबारा रहने दी, वो भी वही करेगी। चलो हो गया, चलो बतानी बहुत ज़रूरी थी। आज क्या हुआ, मैं ऑफिस में थी, इसके स्कूल से आदि के स्कूल से फ़ोन आया, मुझे पता नहीं क्या लगा कि क्या हो रहा है। आदि के स्कूल से फ़ोन आया कि उसके कि आदि को ना जल्दी से ना आदि के पापा को भेज दो या पाके ना आदि को ले जाओ, इसके फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने ये कह के फ़ोन काट दिया। मैं ऑफिस में हो गई टेंशन, तो मैं उसे फ़ोन मिला रही, उसका फ़ोन बिजी जा रहा, तो मैं सोची पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि क्या कहते हैं कि यहाँ दी क्या कहते हैं अब बैडमिंटन वगैरह खेलता है या कुछ, अब मुझे लगा इसकी तबीयत ख़राब होगी कहीं ये गिर विर तो नहीं गया या बैडमिंटन में इसको चोट वोट तो नहीं लगी इतनी ज़्यादा कि मतलब एकदम से ऐसा बोला गया कि हाँ जल्दी से भेज दो और मतलब नील को, स्कूल में इसका नाम नील है, और इसको ले जाओ।
बट फिर मैं उसकी कॉल करती रही। फिर इसके बाद क्योंकि कुछ नहीं पता था क्या हुआ, तब तक क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ऑफिस में थी, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच चुकी थी, पापा और पीयू घर पे थे। फिर उसके बाद मैंने फिर कॉल किया, 5-6 बार कॉल मिलाने गया, फिर उसने फ़ोन रहा शायद, हो सकता है किसी से बात कर रहा हो, वो दूसरे को कॉल कर रहा था, क्योंकि मैम अलाउड नहीं कर रही। हाँ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इसने, फिर मैंने उसी नंबर पर कॉल किया, तो मैंने कहा आंटी वो क्या कहते हैं अनिल को ना घर ले जाओ। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ, कह रहा स्कूल में ना शायद ना बम बम मिला। मैंने कहा बम मिल रहा है, तो फिर मैं टेंशन में होगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। मुझे लग रहा था कि अब्बा है, क्योंकि ऐसे बम स्कूल में मिलना, वो भी दिल्ली वाले शहर में स्कूल में बम मिलना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वो भी प्राइवेट हो, सारी सिक्योरिटी हो, सब कुछ हो, तब भी ये देखो साफ सफाई करी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने इसके पापा को फ़ोन किया जल्दी से, मैंने कहा भरत जाओ आदि के स्कूल से फ़ोन आया, कह रहे क्यों क्या हो गया। मैंने कहा शायद स्कूल में बम मिला कुछ ऐसी, अब्बा वगैरह पढ़ा रही है तो देखो जरा न्यूज़ में कुछ कुछ आया है कुछ ऐसा है, और आदि को भी जल्दी से स्कूल से लिया। तो उन्होंने टीवी चलाया, तो इसकी दादी ने भी वहीं पर बैठी, चाची की यहाँ थी, अब मतलब मेरी देवरानी की यहाँ थी और आदि की चाची की यहाँ थी, तो वहाँ से उन्होंने न्यूज़ भी देखी होगी, वो पहले ही उनको पता चल गया, तो बाद वो यहाँ पर आ गई ताकि इसके पापा जा सके। तो मैंने जैसे फ़ोन किया तो कह रहे हाँ इसकी दादी ने देख लिया था आदि की, हाँ दादी चीजें लेने गई है इसको, फिर याद आ गया। फिर उसके बाद इसकी दादी आई, फिर ये स्कूल से आया, और जब तक ये घर नहीं आया तब तक टेंशन दही। बट ये बात और एक अजीब, स्कूल में सबको अब्बा थी, सबको अपने बच्चे जल्दी घर ले जाने की थी, चलो सबको टेंशन होती, समझती हूँ कि हाँ ये अब्बा ऐसी फैली है, बट किस था अजीब। और मैं ऑफिस में थी और स्टडी में छोटे छोटे मतलब बच्चे आते पहले गया, मैंने कहा पता नहीं क्यों आ रहे। फिर उसके बाद मैकडी में इतनी भीड़ थी, तो मुझे अजीब लग रहा था स्कूल से छुट्टी होगी, बट वो बच्चे जो आसपास मेरे जो ऑफिस के स्कूल था, तो वहाँ बच्चे बड़े मतलब अकेले नहीं, पेरेंट्स के साथ आए थे बर्गर खाने, तो मेरे का वहाँ तो अब्बा फैली और यहाँ पेरेंट्स उनको ले जाके पार्टी लगा रहे हैं, बाहर जा मन कर रहा होगा ना जाने का, टेंशन फ्री को साया शांत करने के लिए। मैं कसम से बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, बट ये सारी अब्बा थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जैसे टेक्स्ट मैसेज करके भेज देते हैं। हम अपने रूम में आ चुके हैं, व्यापी होने फिर कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि इसने पानी पी ली थी, अपने ऊपर कैसे गिर रहा था मैम झूम ऐसे नहीं यहाँ तो, और मुझे वो करने के बाद कह रही मुझे मैचिंग चिमटी भी पहना कपड़े चेंज करने के, तो बस हम रूम में आ चुके हैं इन दोनों को सुलाने के लिए, बज रहे हैं 9:30 बजे क्योंकि आदि को स्कूल जाना है, तो इसके पापा का अभी वेट कर रही हूँ, इसके पापा आएंगे देखती हूँ फिर खाना वाना बनाऊँगी। क्या क्या हूँ बंदर की दोनों नाच रही, चलो आ जाओ सोए, कैसे कर रही है करी चला पीयू कर दो ये अपनी तबीयत खुद खराब करते हैं, और दवाई भी डॉक्टर से नहीं लाए क्या हम इससे लेके आए, और इतनी जगह मैं या आदि या कोई और मतलब पीयू तो नहीं हुई बाबा, तो ज़्यादा आदि या हमको जरा सा भी कुछ हो जाए डॉक्टर के चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे वहाँ चले जाओगे, हमें 10 बातें सुना देते हैं और खुद ने अपनी दवाई लेके आते, और अभी भी इन्होंने वो खाई है नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, पहले अपनी तबीयत भी तो देखनी है। तबीयत खराब होती है तो फिर काम भी है और गला भी खराब है, इसी बात पे बोलते हैं कि लड्डू ही क्यों नहीं, तो इनको मैं देख लूंगी ऐसी करते हैं ये, बस आज के लोगों यहीं पे एंड करते हैं। तो बड़े दिनों के बाद हम साथ में बैठे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें लड़ाई नहीं हुई मैं भी ये कहने वाली होने वाली थी। हाँ।
वरना मेरा मूड इतना ज़्यादा अपसेट था। हाँ मैं आपको बताई थी मेरे अकाउंट से जो पैसे कट गए थे वो कुछ इशू था, कुछ पेमेंट का था, ठीक है, वो मुझे पता नहीं था, मैं भूल गई थी, तो मेरी सैलरी आने पर इसलिए वो पैसे मेरे अकाउंट से कट गए थे। तो वो कोई नहीं, वो भरत का मेरा सब वो दे देंगे मुझे, मुझे कल टेंशन होगी कि मेरे अकाउंट से क्यों पैसे चले गए, कहाँ चले गए, ऐसे तो कभी चाहते नहीं कि कहीं किसी को नंबर दिया नहीं, OTP दिया नहीं, तो ऐसे कैसे चले। तो अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। तो आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।